हेलो व्यूअर्स, हम आपको काफ़ी सॉफ्टवेयर बता चुके हैं। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है तो हम वन बाय वन सब आपको बता देते हैं। आज जो नए न्यू कमर हैं वो पूछते हैं कि मैम आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करती हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए यूज़ करती हैं। तो एक एक करके हम जो जो सॉफ्टवेयर हम बता चुके हैं आपको, हम उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे जिससे आप लोग उसको यूज़ कर सकिए और अपने वीडियो बना सकिए आसानी से। तो सबसे पहला जो है वो ओपन कैमरा वीडियो है। वैसे तो स्क्रीन रिकॉर्डर, सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर करके गूगल पे आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और या फिर कैमरे में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो को भी। तो सबसे पहला है ओपन कैमरा जो वीडियो के लिए यूज़ होता है, जिससे कि वीडियो जो होता है ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन उसके लिए अगर आपके कैमरे, आपके फ़ोन की मेमोरी ज़्यादा नहीं है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए उसको काफ़ी स्पेस चाहिए होगी। और उसके थ्रू आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं और अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ओपन कैमरा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, सबसे अच्छी बात ये है। फिर आपका वीडियो होने के बाद ऑडियो की बारी आती है। तो जब भी हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज आ जाती है, उस नॉइज को हटाने के लिए हमने आपको लैक्सिस ऑडियो बताया है, लैक्सिस ऑडियो करके सॉफ्टवेयर बताया है। और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लैक्सिस में कैसे एडिटिंग की जाती है बैकग्राउंड साउंड की, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आया, अब मान लीजिए ऑडियो भी सही हो गया, तो अगर हमने कुछ वीडियो बनाया और उसमें कुछ पार्ट आपको ट्रिम करना है, कुछ पार्ट आउट में आपको एनिमेशन डालना है या कुछ म्यूजिक डालना है या कुछ और भी डालना है, तो आप VN एडिटर यूज़ कर सकते हैं। जनरली लोग काइन मास्टर यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी फैसिलिटी है ज़्यादा अच्छी। VN एडिटर में ये नहीं बताता कि कितने पिक्सल कितने फ्रेम पर अपलोड कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के बाद, और काइन मास्टर में उसमें अलग अलग स्लॉट दिया हुआ है। हम लोग 1080 पिक्सल और 30 FPS पे अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, और काइन मास्टर भी अच्छा है, VN एडिटर भी अच्छा है, लेकिन काइन मास्टर में ज़्यादा फैसिलिटी है कोई कोई, और VN एडिटर में एडिटिंग की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है। इसमें ट्रिमिंग ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, इसमें फिल्टर भी है, इसमें स्टिकर भी है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो काइन मास्टर में भी है लेकिन प्रो वर्जन में ज़्यादा अच्छी है। और VN एडिटर भी फ्री का है और काइन मास्टर भी फ्री का सॉफ्टवेयर है। तीसरा सॉफ्टवेयर है InShot। InShot भी अच्छा है लेकिन VN एडिटर और काइन मास्टर बहुत अच्छा है। InShot हमने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। फिर आया हमारा थंबनेल। अब आपका वीडियो जब बन गया, आपने अपलोड किया, तो उसके बाद उसकी थंबनेल की बारी आती है। तो थंबनेल जो होता है वो कैनवा में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन कैनवा के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो ऑनलाइन ही काम करता है। तो आप अगर जिसके पास इंटरनेट फैसिलिटी कम है तो वो ऑनलाइन काम करके कैनवा पे सॉफ्ट थंबनेल नहीं बना सकता, जबकि कैनवा के थंबनेल बहुत अच्छे बनते हैं और उसमें फॉन्ट्स फैसिलिटी भी दी हुई है, इसमें टेम्पलेट दिए हुए हैं, उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आप कोई भी पिक्चर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप प्रो वर्जन ले लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से हर लेवल का एनिमेशन भी बना सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे कैनवा में आप सोशल मीडिया पे भी काम कर सकते हैं, बैनर भी बना सकते हैं, थंबनेल भी बना सकते हैं, एनिमेशन भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। तो कैनवा मल्टीपर्पज़ है, लेकिन बस उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पैसा खर्च करिए तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाइए। अदरवाइज आधे से अधिक टेम्पलेट प्रो वर्जन होते हैं जिसपे क्राउन बना होता है और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते।
अब क्योंकि कैनवा ऑनलाइन होता है इसलिए हम लोग पिक्सल लैब पे काम करते हैं। पिक्सल लैब इज ऑल्सो वेरी गुड सॉफ्टवेयर जिसमें आप फोटो को भी एडिट कर सकते हैं, वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं, इसमें फिल्टर डिफरेंट टाइप के दे सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी दी हुई है जिससे आप पिक्चर को बहुत अच्छी कर सकते हैं, वीडियो को, और उसमें थंबनेल भी बना सकते हैं। पिक्सल लैब में आपको बैनर थंबनेल के हर साइज दी हुई है और उसमें बहुत से फॉन्ट भी दिए हुए हैं, उसमें स्टाइल भी दी हुई है, उसमें डिफरेंट ढंग से आप कलर चेंज कर सकते हैं, और उसको जब आप यूज करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। वैसे पिक्सल लैब पे हमने एक बैनर भी बनाया और एक थंबनेल भी बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट आपका एसईओ के लिए जरूरी होता है, तो एसईओ में आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसमें रैपिड टेक्स है, और एसईओ के लिए तो आप यूट्यूब ने ही फैसिलिटी दे दी है, रिसर्च सेक्शन दे दिया है, योर व्यूअर्स दे दिया है, तो वहां पर जाकर के आप सॉफ्टवेयर पे समझ सकते हैं कि कौन सा वीडियो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं आपसे, तो उसी टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं जिससे आपकी वीडियो चले। फिर आया टैग यू। अब आपको जब आपने थंबनेल भी बना लिया तो आपको डिस्क्रिप्शन और टैग्स और हैशटैग डालने की जरूरत पड़ेगी, तो टैग यू एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जहां जाकर के आप डिफरेंट टैग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वहां पे आप नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल पे सिंपल अपने टाइटल को सर्च करिए तो आपको आपसे आपके सॉफ्टवेयर आपके टाइटल से रिलेटेड बहुत से टैग मिल जाएंगे, और हैशटैग भी ढूंढिएगा तो हैशटैग भी मिल जाएगा, तो वायरल हैशटैग और जो ज्यादा ट्रेंड में है उनको यूज करिएगा तो आपकी वीडियो अच्छी चलेगी। अब आया परफॉर्मेंस की बारी। जब सारी कुछ चीजें आपने सेट कर दी तो वहां पर एंड स्क्रीन और आई बटन लगाना होता है, तो एंड स्क्रीन जो होती है वो जब आप वीडियो खत्म कर लेते हैं तो आपको चार ऑप्शन मिलते हैं जिसमें दो वीडियो आप लगा सकते हैं, एक प्लेलिस्ट या सब्सक्रिप्शन लगा सकते हैं, और अपने चैनल का नाम लगा सकते हैं, तो ये सब चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। और आई बटन में आप जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं से रिलेटेड अगर कोई प्लेलिस्ट है तो उसको लगा दीजिए, तो आपकी बाद में और वीडियो भी लोग एंड स्क्रीन और आई बटन से देखते हैं जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। विडक्यू एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप टैग्स और क्या ज्यादा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियो को सेट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा कि कैसे करिए। टैग विविड क्यू ही नहीं, आपका ट्यूब बडी भी आपको हेल्प करता है टैग्स और डिस्क्रिप्शन को अच्छा करने में, कौन से टैग रैंक कर रहे हैं बताएगा, आपकी वीडियो कहाँ रैंक कर रही है बताएगी, तो इस तरह से बहुत से सॉफ्टवेयर हम आपको बता रहेंगे जो आप अपने वीडियो को में यूज करके अपने वीडियो को अच्छा कर सकते हैं। अब आया लास्ट नॉट ऑन द लिस्ट जहां पे आप सारा काम करते हैं, दैट इज यूट्यूब स्टूडियो, जहां पर आप अपलोड के बाद सारी चीजें विडक्यू और ट्यूब बडी के बताए डायरेक्शन पे सेट करते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।